लुम्बिनी पार्क जो कि हुसैन सागर के तट पर है। आज हम यहाँ पूरा हुसैन सागर देखेंगे। ये है लुम्बिनी पार्क का एंट्रेंस। पार्क में एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में बैग से लगेज काउंटर मिल जाएगा और ठीक उसके सामने पार्क का टिकट काउंटर है। जैसे ही आप पार्क में एंटर करते हैं तो ठीक आपके सामने डांसिंग वाटर का एक फाउंटेन है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए अथवा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे एक अच्छा गार्डन है। अब हम चलते हैं बोट का टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है जो सीधा टिकट काउंटर के पास जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन का जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे शिप्स और बोट्स हैं। ये जो आपको शिप दिख रहा है ये प्राइवेट बुकिंग के लिए है। चलिए हमने टिकट ले लिया है, अब हम बोट में एंट्री करते हैं। हमने बोट में एंट्री कर लिया है। चलिए मैं आपको हुसैन सागर और बुद्धा स्टैचू के इतिहास के बारे में बताता हूँ। हुसैन सागर को टैंकबंड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दिल के आकार की तरह एक झील है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है। हुसैन सागर को इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने सन 1563 में बनाया था। यह 5.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और मुसी नदी द्वारा इसमें पानी लिया जाता है। 1992 में बनाई गई गौतम बुद्ध की एक अखंड मूर्ति झील के बीच में लिब्राल्टर रॉक पर खड़ी हुई है। यह हैदराबाद सिटी सेंटर को उसके पड़ोस सिकंदराबाद से भी अलग करता है। इस झील की अधिकतम गहराई 32 फीट है। हुसैन सागर का निर्माण मुसी नदी के एक सहायक नदी पर इब्राहिम कुल कुतुब शाह ने सन 1563 में बनवाया था। झील का नाम हुसैन शाह वाली के नाम पर रखा गया था जो राज्य में वास्तुकला के मास्टर थे। यह एक आर्टिफिशियल झील है जिसमें मुसी नदी के नहरों द्वारा बारहमासी पानी लिया जाता था। हिमायत नगर और मुसी नदी पर उस्मान सागर के निर्माण से पहले हुसैन सागर हैदराबाद को पानी की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत था। बुद्ध की मूर्ति को एक सफ़ेद ग्रेनाइट चट्टान से तराशा गया था जिसका वजन 450 टन था। इसे 200 मूर्तिकारों ने 2 साल तक तराशा था। प्रतिमा को नवंबर 1988 में हैदराबाद ले जाया गया था। प्रारंभिक समस्याओं के बाद मूर्ति को 12 अप्रैल 1992 को लाल कमल के आसन पर खड़ा किया गया था। टैंक बंड पर सड़क 1946 में चौड़ी की गई थी जब सर मिर्जा इस्माइल हैदराबाद डेक्कन के प्रधानमंत्री थे। सन 1987-88 के दौरान आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव द्वारा टैंक बंड की चौड़ाई और सौंदर्यकरण किया गया था जिसमें नाचते पानी के साथ फुवारे, रात में रंगीन रोशनियाँ और प्रसिद्ध हस्तियों की कांस्य प्रतिमाएं शामिल थी। हुसैन सागर में बुद्ध की मूर्ति देश में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति है। इसे गणपति स्थपति के मार्गदर्शन में 40 मूर्तियों द्वारा एक ही ग्रेनाइट चट्टान से उकेरा गया था। इसे राजगीर से 192 पहियों पर 60 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर लाया गया और 1 दिसंबर 1992 को यहां स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर और वजन लगभग 320 टन है। TSTDC को प्रतिमा और परिसर के रखरखाव का विशेष अधिकार प्राप्त है और आपकी खुशी के लिए वर्ष भर परिभ्रमण चलाता है।
अब हम फाइनली स्टैचू के पास पहुंच गए हैं। लोग अपने फोटो लेने में व्यस्त हैं। UNWTO ने 27 सितंबर 2012 को हुसैन सागर को हार्ट ऑफ द वर्ल्ड के हेरिटेज साइट के नाम की उपाधि दी थी। स्टैचू के लेफ्ट साइड में बुद्ध वंदना भी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हुसैन सागर के पास घूमने के लिए संजीवा पार्क, प्रसाद आईमैक्स, स्नो वर्ल्ड, बिरला मंदिर इत्यादि हैं। तो हम वापस चलते हैं पार्क में। इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।